राम रहीम के बाद अब एक और महंत के खिलाफ उसकी शिष्या ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके का ये आश्रम, जहां दावा तो किया जाता है सत्संग के जरिए धर्म की सीख का, लेकिन अब इसी आश्रम की आड़ में अधर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप लगा है आश्रम के कर्ता धर्ता महंत सुंदरदास पर, जिसके खिलाफ खुद उसकी ही शिष्या ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। जो पूरा वाक्य ये बताया जा रहा है, दरअसल 2014 का है, जिसमें पीड़ित महिला ने ये आरोप लगाया है कि बाबा उसे अपने कमरे में बुलाता था और साथ ही साथ उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। शिष्या से रेप के मामले में राम रहीम के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद फर्जी बाबाओं के काले कारनामों की फेहरिस्त में महंत सुंदरदास अगला नाम है। पीड़ित कई सालों से अपनी माँ के साथ बाबा के आश्रम में आती थी, लेकिन बाबा ने अपनी करतूत से उसके भरोसे का कत्ल कर दिया। दरअसल इस समय हम उसी आश्रम के बाहर मौजूद हैं, जहां पर ये पूरा वाक्या पेश आया है। यहां पर स्वामी श्री सुंदरदास जी महाराज का आश्रम चलता है, एक बहुत बड़ा आश्रम ये यहां पर है, और यहीं पर बताया जा रहा है कि जो पीड़ित महिला थी, जो कि बाबा की भक्त है, वो यहां पर आती थी। उसकी माँ उसकी भक्त रही है बाबा की, और शुरू से ही वो बचपन से ही यहाँ पर आया जाया करती थी। ये भी बताया जा रहा है कि उस महिला की शादी भी खुद बाबा ने ही करवाई थी। पुलिस को दी अपनी शिकायत में पीड़िता ने महंत सुंदरदास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के मुताबिक 2014 में महंत ने अपने कमरे में बुलाकर उससे छेड़छाड़ की। महिला और उसके पति के विरोध करने पर महंत ने उन्हें धमकाया। महिला ने 2 अक्टूबर 2017 को महंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट को दिए बयान में महिला ने रेप का भी आरोप लगाया है, हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच में जुटी है। आरोपी महंत सुंदरदास का जोधपुर में भी बड़ा आश्रम है, और फिलहाल वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर राजस्थान में ही मौजूद है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।